अस्सलाम वालेकुम, आई एम इफ्तखार उल हसन एंड आई एम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो जी, आज हम करने जा रहे हैं खूबसूरत किस्म की कॉपर और पिंक लुक। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो जी, सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की स्टॉप क्रीम। ये आजकल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, समर्स में बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। बहुत खूबसूरत किस्म का एक ग्लो आता है फाउंडेशन के नीचे से, तो बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को एट द सेम टाइम। अच्छे तरीके से मैं इसको फेस और नेक पे अप्लाई कर लूँगा। अगर समटाइम ये होता है कि मैं नेक का क्लिप नहीं डालता तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं नेक पे नहीं लगा रहा, मगर मैं नेक पे भी लगा रहा होता हूँ उसको। और मैं अंडर आई पर थोड़ा सा करेक्शन करूँगा ऑरेंज कलर के साथ एले गर्ल के। जी, तो अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए मैंने क्राइलॉन की टीबी पेंट स्टिक और मिलानी जो है इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रोब क्रीम चाहें तो आप इसके अंदर मिक्स करते हैं, मैंने थोड़ी सी मिक्स की है इसको। आप चाहें तो इसमें मिक्स करें, चाहे तो ना करें। मैं आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, फाउंडेशन के अंदर भी लगा रहा हूँ उसको, वैसे भी लगा रहा हूँ। बहुत मज़े का इफ़ेक्ट आता है, बहुत ग्लोई ग्लोई फेस लग रहा होता है जब मेकअप कंप्लीट हो जाता है। अगेन, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, मेकअप जो होती है आपकी पर्सनल चॉइस होती है, आपका कंफर्ट जोन होता है। जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो करें, जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं वो मत करें। अब मैं डर्माकोल का फाउंडेशन को एज अ कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। जिन जिन एरिया को मैंने हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूंगा। और मैं इस टाइम वेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ये ड्राई नहीं है। अब अगेन मैं वही यूज़ कर रहा हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की फास्ट बेस कंटोरिंग के लिए। जहाँ जहाँ आपको कंटोर करना है वहाँ पे आप लगाएं। मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आने वाली है मेरे चैनल पे, जिसमें मैं कंटोरिंग बहुत डिटेल में उसको सिखा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं जिनका फेस पतला है उनको कंटोरिंग नहीं करनी चाहिए। कंटोरिंग तो हर किसी को ज़रूरत होती है, क्योंकि जब फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फेस जो होता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो आपको थोड़ी सी डायमेंशन लाने के लिए कंटोरिंग ब्राउनिंग ये करना ज़रूरी होता है। अच्छे तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में इसको ब्लेंड कर दूंगा ताकि कोई लाइन ना रहे। मैं अंडर आइज़ को बेक करूँगा। मैं यूज़ कर रहा हूँ RCMA का पाउडर, इसका कोई कलर नहीं होता। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप ये एक पाउडर ले लें। आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो ये एक पाउडर ले लें और इसको आप किसी भी स्किन टोन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग से आपको पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको एक अलग से कंटेनर में निकाला हुआ है, जिसको मैं इस बार आसानी यूज़ करता हूँ। बाकी दूसरा जो होता है उसकी अपनी जो ओरिजिनल पैकिंग है वो उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब मैं एंजल आई यूज़ करूँगा लशियस कॉस्मेटिक्स का आई शेडो बेस, ताकि हमारे जो कलर हैं आँखों के वो ज़रा खिल के आएँ, क्योंकि समर है, खिले खिले कलर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, फ्रेशनेस बहुत अच्छी लगती है। अब मैं जी यूज़ कर रहा हूँ एलेक्सिस टोन का पैलेट और उसमें से मैं पिंक टोन यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं ज़रा ट्रांजिशन लेके आऊँगा, बिल्डअप करते जाएं कलर को जितना आपको डिज़ायर है।
मैं पहले कलर्स को पैक करता हूँ, उसके बाद उसको ब्लेंड करता हूँ। अगर आप साथ साथ ब्लेंड करना चाहते हैं तो साथ साथ करें, इस तरह से आपका कलर का पे ऑफ जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। डिपेंड करता है कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए और कितना आपको उसको ट्रांसपेरेंट रखना है। ओपेक करना है तो डेफिनेटली आपको कलर भी ओपेक लगाना पड़ेगा, ज़्यादा उसको यूज़ करना पड़ेगा। कोशिश करें कि लेयर्स में यूज़ करें कलर्स को, एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा आप अप्लाई ना करते हैं अगर आप बिगनर हैं। अगर तो आप प्रोफेशनल हो तो आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। अब मैं वही पिंक कलर जो है उसको नोज़ पे ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा क्रीज से मैं उसको नोज़ की तरफ लेके आऊँगा। समटाइम ये कलर जो होता है ये बहुत खूबसूरत लगता है नोज़ पे आया हुआ, इससे बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक आती है। अभी आप एंड में देखेंगे जैसे जैसे मेकअप कंप्लीट होता जाएगा तो ये पता भी नहीं चलेगा, मगर इसको नीचे लगाने का मकसद ये था कि एक बहुत खूबसूरत सी एक फ्रेशनेस सी आती है फेस के ऊपर। अब मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लूँगा और इसको थोड़ी सी डेप्थ दे दूँगा। जी तो अब मैं इनग्लॉट का जेल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ अंडर आई पे। समर है तो मैं मेरा यही जो है ना, समझ लें कि डेली का यही मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको डेली बेसिस पे, जितने भी क्लाइंट आते हैं, क्योंकि ये गर्मियों में हिलता नहीं है अपनी जगह से। ये वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, हर तरह का प्रूफ है। ब्लेंड करते करते उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं जो बच रहा है। अच्छे तरीके से नीचे ब्लेंड करें उसको, थोड़ा स्मोक आउट करें उसको लाइनर को। ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से किया करें, जहाँ 5 मिनट कर रहे होते हैं आप 10 मिनट कर लें। उसका ये होता है कि आपका जो इफ़ेक्ट होता है एंड का वो बहुत अच्छा आता है, एक फिल्टर्ड इफेक्ट आ रहा होता है आपकी स्किन पे, स्पेशली आँखों पे, अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है। मैं वही लाइनर जो है इनर आइज़ पे लगाऊंगा। अब सेम जो मैंने शेड ऊपर यूज़ किया है क्रीज में, वही अब मैं नीचे लगाऊंगा। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं आँख के ऊपर कलर लगा रहा हूँ वही आँख के नीचे दूँ, ताकि एक हार्मनी नज़र आए आपको, अलग अलग से गोला गंडा ना लगे मुँह। अगर आप इंटेंशनली वो लुक करना चाह रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ सेम कलर जो आप ऊपर लगा रहे हैं वही नीचे लगाएं आँख के, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर लूँगा और उसको आउटर कॉर्नर पे लगाऊँगा। अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन की ग्लिटर ग्लू यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लूज़ पिगमेंट यूज़ करूँगा। तो इससे ये है कि आपका जो पिगमेंट होता है वगैरह अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है। चाहे तो आई शेडो बेस भी लगा लें, मगर ये ग्लिटर ग्लू जो होती है ज़्यादा अच्छा काम करती है, ज़्यादा स्टिकी होती है। हमें कॉपर कलर का ग्लिटर ले सॉरी पिगमेंट लेके इनर कॉर्नर पे लगाऊंगा। आंख के अंदर अंदर की साइड पे लगाना है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाऊंगा। आँख का जो शुरू का हिस्सा है बस वहाँ पे इसको दूंगा, ताकि लाइट वहाँ पे हिट करे तो खूबसूरत लगे। बाकी मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैट ही रहे सारी लुक।
इस जगह पे आके आप ग्लिटर लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं कॉपर की जगह। मस्कारा जो है मैं हैंग फैंग का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे लैशेस लगानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप लैशेस लगा रहे हैं तो आपको इतना कोई एक्सपेंसिव में मस्कारा लगाना चाहिए। जी तो अब सेम इनग्लॉट का जेल लाइनर उसको मैं लगाऊंगा आँख के ऊपर। उसके बाद मैं लैशेस लगाऊंगा। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर आंखों के नीचे है उसको हम हटा देंगे, जितना वेक होना था हो चुका है। आईब्रो की बारी आती है मेकअप रेवोल्यूशन का, मैं ब्रो पोमेड यूज़ कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि मास्क पहनें, चीज़ों को अच्छे तरीके से सैनिटाइज़ करें, ब्रशेस को हर दफ़ा इस्तेमाल के बाद उनको धोएं, और अल्कोहल जो है रबिंग अल्कोहल उसको अपने मेकअप के ऊपर स्प्रे करते रहें। हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं कंटूर कर रहा हूँ क्रिस्टीन के कंटूर पैलेट से। जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कंटूर किया था वहाँ वहाँ मैं उसको करूँगा। जी अब तो ब्लश की बारी आती है, तो ब्लश जैसा कि आपको पता है मैं अक्सर यूज़ करता हूँ बीएच कॉस्मेटिक्स का, तो अभी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। हाइलाइटर की बारी आती है, इनर कॉर्नर पे भी मैं हाईलाइट को लगाऊंगा, इससे आँख थोड़ी सी खुली खुली लगती है। अगर आपकी आँखों में स्पेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पे हाईलाइटर मत लगाएं, उससे आँख और ज़्यादा महंगी महंगी लगेगी आपकी। लिपस्टिक की बारी आती है, तो लिपस्टिक जो है मैं मेडोरा की यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है। पहले आउटलाइन कर लें, उसके बाद उसकी फिलिंग कर लें। जी तो हमारी आज की खूबसूरत लुक तैयार है।
इसको रिक्रिएट कीजिएगा और मुझे ज़रूर टैग करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट से बहुत खुशी होती है मुझे। हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, जिएं, जीने दें, खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें, अपने दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।